हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद भाई आज मैं अपनी छत पे आया हुआ हूँ। मकर संक्रांति आने वाली तो भाई हर तरफ पतंगबाजी होने लगी। ये देखिए हमारा एक अपोनेंट है, ये पतंग भाई खींच रहा है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, पतंग टेस्ट कर रहा है। और आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ पतंगबाजी होती है कि नहीं? वैसे मेरे इधर तो केवल रक्षाबंधन में ही पतंगबाजी होती है, और अभी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी भाई हम करते हैं। तो भाई हम लोग तो पतंग उड़ाते हैं, हम लोगों को इतना पतंगबाजी कीड़ा की क्या ही बताएं। ये देखो, ये रहा मंजा ब्लैक कलर का उतरा हुआ है, और ये वाली पतंग हम पार कराएंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने इंस्टाग्राम पे ना फॉलो किया हो तो वो भी कर सकता है। ये रही हमारी आईडी। तो भाई ये अधी का पतंग है, और इसके डिज़ाइन को बताओ क्या बोलते हैं, अजीब सा डिज़ाइन है। वैसे काफ़ी अच्छी पतंग है। तो हम जल्दी से गांठ बांध देते हैं और पतंग को पार कराते हैं, क्योंकि अपोनेंट ने पतंग लगा दी है, सर पर लगी हुई है। और इस समय तो भाई हम लोग ग्राउंड की पतंगबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो उसके मिलते रहते हैं। काफ़ी पतंगबाजी होती है ग्राउंड पे हमारे यहाँ इस सीज़न में, और छतों की पतंगबाजी बिल्कुल कम हो जाती है। फिर भी भाई आज हम लड़ाक दिखाने वाले हैं, पतंग को कराते हैं पार, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं पेच वेच करके। और भाई काफ़ी दिनों से हमने पतंगबाजी पर वीडियो नहीं डाली है, आज भाई पेच के वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, क्योंकि भाई हम लोग काफ़ी लंबे पतंगबाजी कर रहे हैं, इस वजह से पेच रिकॉर्ड नहीं हो पाते थे। तो भाई जल्दी से पतंग पार कराते हैं, आज छोटे पेच लड़ाएंगे, और अधी की पतंग यूज़ कर रहे हैं, वो भी छोटे पेचों पे। तो ये रही पतंग भाई, हमने पार करा ली, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हमारी पतंग जो है वो पेच पे पहुंच चुकी है। ये देखिए जो नीचे से पतंग है वो भाई हम लड़ा रहे हैं, वही वाइट स्टार वाली, और हमारा अपोनेंट ऊपर से आया हुआ है। देखिए भाई अपोनेंट इतना ज़्यादा भाई चालाक है ना, ऊपर से लड़ा रहा है, और पतंग भी उसने ज़्यादा पार करा के दी है। देखिए आप भाई, हमने भरा फिर अपनी पतंग बचाई। ये देखिए अपोनेंट मार रहा था, वही मैंने मारा, लेकिन मेरे कन्ने थे, फिर भी भाई मैंने काट दी झटके दे के पतंग। तो आप भी अगर कुछ ऐसा हुआ करें ना, तो झटके का यूज़ ज़्यादा किया करिए, पास पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देता है झटका। क्योंकि मुझे अपोनेंट की डोर दिख रही थी कि अभी टच हुई है। ये देखिए, ये अपोनेंट ने दूसरी पतंग पार की है मुड्ढेदार, और ये मेरी छत के ऊपर आ गई, ये पार होती हुई जा रही। एक्चुअली मैं अपोनेंट मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे है, थोड़ा सा ही इस डिस्टेंस है, और वो पतंग भी काफ़ी ज़्यादा पार करा के लड़ा रहा है उसने। अभी जो पेज लड़ाया था बच गया भाई मेरा कन्ना, ऐसा लग रहा था कन्ना, लेकिन जस्ट पीछे इस वजह से कन्ना नहीं था मेरा, तभी भाई वो खट गया। तो ये देखिए हमारी पतंग रही, और देखिए अपोनेंट की पतंग अब आप लोग दिख जाएगी ऊपर से। भाई वो अभी भी पतंग पार करा रहा है, देखिए यार अपोनेंट की, देखिए चालाकी भाई, वो हमसे दूर पे पतंग लड़ाना चाह रहा है। और देखिए कितना अभी वो मंजे की गांठ बांध रहा है, और भाई जस्ट मेरे पीछे से उड़ा रहा है। आप समझ लीजिए भाई, बिल्कुल भी बीच के डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग दूर पर पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए हमने काफ़ी जूम कर रखा है, और पेच फिर से दूर चला गया है। भाई दूर लड़ाने की वजह से मैं पतंगबाजी की वीडियो नहीं दे पाता हूँ। ये देखिए, देखिए कितना चिराव बन रहा है, कितना भर भर के हम लोग लड़ा रहे हैं। देखिए वो कहाँ कोने में चला गया। और ये देखिए हम धीरे धीरे अपनी पतंग कम कर रहे हैं, क्योंकि मंजा बहुत कम बना हुआ है। ये देखिए हमने अपनी पतंग बचाई, और यहीं पर अपोनेंट मार गया था, फिर उसने बचाया। तो भाई दूर के पेचों में यही होता है, देखिए पतंग हालांकि हवा में ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाती है तो सामने वाले घर की वजह से दिखाई नहीं देती है कैमरे पर। और ये देखिए हमने यहाँ पे मार दिया था पूरा पट, और इसी में अपोनेंट की पतंग कट गई थी, फिर हमने पतंग अपनी उठा ली थी। ये देखिए जब हमने पूरा ज़मीन में पट मारा, ये देखिए हमने पतंग उठाई, अपोनेंट की तो कट गई है, लेकिन मेरी जो डोर है भाई वो फंस गई है पेड़ पे। ये देखिए जो ग्रीन वाला पेड़ आपको दिखेगा साइड में, ये हिलता हुआ, यहाँ पर डोर फंस चुकी है। अभी देखिए हम दिखाते हैं अपोनेंट को, अपोनेंट अपनी जो चरखी है लपेटता हुआ आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि भाई उसकी पतंग बहुत बहुत ज़्यादा मंजेस कटी है ये वाली। ये देखिए ये रहे भाई अपोनेंट, ये देखिए चरखियाँ लपेट रहे, खींच रहे, देखो हाथ भी दिखा रहे हैं। तो अब दिखाते हैं आपको भाई जहाँ मेरी डोर फंसी हुई है, मेरी पतंग तन गई थी, तो मैंने सोचा पीछे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये रहा सिरा, जहाँ पर पेड़ का कॉर्नर, ये छूट गई, छूट गए भाई, यही फंसी थी। तो जब भी भाई ऐसा हो ना, आप झटके मार मार के सद्दी हो तो छुड़ा सकते हैं, और अगर मन जाओ तो भाई खींचते जाइए, वो पेड़ कट जाएगा। बस मंजे में गांठ ना होनी चाहिए, अगर मंजे में गांठ है तो भाई वो गांठ अटक जाएगी और आपकी पतंग चली जाएगी। तो भाई फिर से अपोनेंट पतंग पार करा करके ले आया है, ये भाई दूसरा या फिर तीसरा पेच है, हाँ तीसरा पेच है भाई। मैंने दो पतंगें काट दी अपोनेंट की,
देखते भाई इस पेज पे क्या होता है। फिर से भाई हमने जब पतंग काट दी तो जल्दी से छोटा करा लिया पेज, हालांकि काटी मैंने ही थी लेकिन भाई उसने पता नहीं दूर कर दी पतंग और लड़ानी पड़ गई। ये देखिए ये वाला हमने पेज छोटा करा लिया, अपोनेंट की पतंग थोड़ा सा सही नहीं लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, छत से सब लड़ जाती। ये देखिए मैंने मारा और भाई फिर से देखिए मेरा कन्ना पकड़ लिया इसने, फिर से मैंने अपनी पतंग बचा ली है। तो भाई ये अब मेरा अपोनेंट है ना थोड़ा पतंग पार करा करके लड़ाता है और भाई मेरे कन्ने पकड़ लेता है और इस हवा में या फिर कन्ने पकड़ता है या फिर सद्दी, लेकिन कोई बात नहीं हम बचा करके लड़ा लेते हैं। ये देखिए मारा और भाई क्या मैंने बाहर का खींचा काट दी पतंग। भाई ये पेज बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, आप भी बहुत आसानी से लड़ा सकते हो। जब अपोनेंट बाहर जा रहा हो तो हल्का सा बाहर और सीधे में खींच दीजिए, कट जाएगा वो। ये देखिए भाई फिर से पेच आ चुका है, अपोनेंट काफ़ी जल्दी जल्दी पतंग पार करा रहा है और आप लोग भी बताइए। ये देखिए अपोनेंट ने भाई मारा और भाई पूरा मिला करके मार दिया है, मैंने पट मारा है लेकिन भाई पतंग नीचे चली गई है, फिर हमने बचा ली अपोनेंट से। तो दोस्तों क्या होता है जब कोई आपसे ज़्यादा पतंग पार कराए और पूरा मारे, मतलब बाहर को बहुत ताकत से मारे, तो आप अपनी पतंग बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर आप चाहे बाहर खींचें या अंदर आपकी ही पतंग कटनी है अगर कोई पूरा बना के मारता है दूर से लाते हुए। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, अपनी पतंग बचानी रहती है यहाँ पे। और ये देखिए फिर से हमने उठाई पतंग और अपोनेंट की पतंग ज़्यादा पा रही है। देखिए उसने रोका यहाँ बनाया और भाई उसने काफ़ी ताकत से मारा, हमने चक्कर दे के मारा लेकिन भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गई गलती से। मैं बता रहा था मारना रही रहता है कट जाती पतंग और भाई मैंने कर दिया। देखिए देखिए मेरी डोर आ गई है उसकी पतंग पे, ये देखिए अभी डोर है, ये देखिए भाई कट गई। अब देखिए आप भाई बिल्कुल वो मेरे पीछे से था, कितनी ज़्यादा डोरों से मेरी पतंग उसने काटी थी और दोनों पतंगें कट गई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।